गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट दीजिए, हम देखें पीडीएफ कहाँ अपलोड हुई है। आते हैं, तुम एक बार मैसेज कर दो। बाकी लोग कहाँ है भाई? बाकी लोग को मैसेज करके आओ। सब लोग आ गए, मैसेज कर दिया तुम लोगों ने। देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किए थे, ठीक है, इसके पहले वाला टॉपिक। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमारा एक टॉपिक बच गया था, डोनान इक्विलिब्रियम। ये केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हो, बेसिकली उसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बस थियोरेटिकल है थोड़ा सा ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डोनान मेम्ब्रेन वही इक्विलिब्रियम वाला वही थियरी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। देखो, अगर इसके फिगर को सबसे पहले समझा जाए ना बच्चा, एक मिनट रुक जाओ। इसको फिगर को समझा जाए तो तुम्हें भी पता है कि सर हमारा ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, आउटसाइड इनसाइड। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है ना, ये एक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, एक फिक्स्ड आयन लगा हुआ है, जैसे आर हो गया। आर हमारा होता है क्या, एक फिक्स्ड आयन होता है। यही हमारा क्या करता है कि आगे बाहर अंदर बाहर किया रहता है। तो बेसिकली थियरी देखो एकदम इजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि तुम लोग टॉपिक पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी नॉन डिफ्यूजिबल और फिक्स्ड आयन। हाँ, क्या हुआ, स्लाइड नहीं दिख रही है मुझे। तुम लोग को स्लाइड दिख रही है संदीप? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। नीलम, हो सकता है नेटवर्क। ओके ओके, देखो यहाँ पे देखो, बेसिकली हमारा ये देखो एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इधर हमारा सपोज दैट आर है और इधर हमारा के पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये मेम्ब्रेन है, लेकिन जो हमारा आर होता है, एक तरह से देखा जाए तो ये नॉन डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन रहता है। मतलब किसी को आने अंदर बाहर आने जाने का काम करता नहीं है, बेसिकली ये बस इनर सरफेस के लेयर पे लगा रहता है। तो डोनान इक्विलिब्रियम तुम लोग एक बार पढ़े हो इनऑर्गेनिक में, तो वही चीज है, बस इसको थियोरेटिकल पोर्शन में बेसिकली एनायन कैसे ट्रांसफर होता है, इसमें वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, सॉरी पैसिव एब्जॉर्प्शन में। तो देखो इस थियरी में क्या था, तुम्हें भी पता, पहले पढ़ चुके हो सर। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी नॉन डिफ्यूजिबल और फिक्स्ड आयन, किसको बोलते हैं, आर को बोला जाता है। आर को क्या बोला जाता है, आर को बोलते हैं नॉन डिफ्यूजिबल और फिक्स्ड अनायन बोला जाता है। अनायन, अनायन मतलब क्या हो गया, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, अनायन नेगेटिवली चार्ज। तो हमेशा देखोगे आर जो होगा हमेशा वो नेगेटिवली चार्ज होगा फिगर में, देखना।
तो इस थियरी के हिसाब से जो हमारा आर जो नेगेटिवली चार्ज था बच्चा, जिसको हम नॉन डिफ्यूजिबल बोलते हैं या फिक्स्ड अनायन बोला जाता है, फिक्स्ड होता है ये आर हमेशा, क्या होगा ये जो मेम्ब्रेन है उसके इनर सरफेस पे हमेशा लगेगा, कभी इधर नहीं लगेगा, हमेशा इनर सरफेस पे लगेगा, हमेशा इनर सरफेस पे लगेगा, और ये जो होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यही बता रहा है कि इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारा फिक्स्ड आर एनायन जो होता है वो इनर सरफेस पे इकट्ठा होता है, मतलब ये हमारा अगर सरफेस है तो इसके इधर इनर साइड पे, इधर से जो लगेंगे वो सब बाहर वाले पे लगेंगे क्योंकि ऊंचा उठा हुआ होता है हमारा बाहर वाला पोर्शन। तो यही बता रहा है कि जो फिक्स्ड आयन होते हैं वो हमारे इनर सरफेस पे लगते हैं। देखो ये हमारा हो गया मेम्ब्रेन, तो ये इनर सरफेस से हमारा हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो यही बता रहा है कि इस थ्योरी के हिसाब से जो फिक्स्ड आयन आर होता है वो इकट्ठा होता है इनर सरफेस के ऊपर, और आउटर सरफेस के जब मतलब जो आउटर क्या लिखा है, एक्युमुलेट ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, तो ये बाहर की मेम्ब्रेन है, इस बाहर के मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस है मतलब ये वाला रीजन, यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। बल्कि ये नॉन डिफ्यूजिबल होता है, मतलब ये आर पार करके इधर कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई और रहेगा सीएल या के पॉजिटिव रहेगा तो ये डिफ्यूजिबल रहेगा, इधर पार करके आ सकते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे तो रहते हैं लेकिन ये नॉन डिफ्यूजिबल रहते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल मतलब बच्चा ये पार करके मेम्ब्रेन को इस साइड नहीं आएंगे, आउटर सरफेस से कभी नहीं आएंगे। यही बताना चाह रहा है कि जो आर होता है वो फिक्स्ड आयन होता है, वो कभी भी इसको पार करके इधर नहीं आएगा, बल्कि आउटर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे ही रहेगा। ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हमारा है आर, हमेशा इसको पार करके इधर नहीं पार करेगा। फिर वही चीज बोल रहा है सेकंड पॉइंट, द आउटर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू दिस फिक्स्ड एनायन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल होता है, क्या होता है इम्परमिएबल, मतलब किसी को आने जाने नहीं देता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, किसी को आने जाने नहीं देता है। तो आप देख भी रहे हो जो आउटर वाला जो के पॉजिटिव सीएल केएल वाले जितने हैं के पॉजिटिव है, ये अंदर जा रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे बच्चा, क्योंकि ये इम्परमिएबल होता है, मतलब इम्परमिएबल मतलब कि कोई भी चीज का आर पार नहीं जाना, ठीक है। तो आउटर वाले जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब जो ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये कभी भी अंदर बाहर आने जाने नहीं दे रहा है। और सबसे ज्यादा इम्परमिएबल कौन सा है जो नॉन डिफ्यूजेबल है, तो कहोगे सबसे ज्यादा सर आर है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड अनायन बोलते हैं। जो आर हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज को अनायन बोलते हैं, तो आर जो हमारा होता है फिक्स्ड अनायन है, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या बोला कि हमारा नॉन डिफ्यूजिबल आर होता है, फिक्स्ड अनायन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस मतलब अंदर की तरफ इकट्ठा होता है हमेशा। फिर हमने ये जाना कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल होता है, वो फिक्स्ड आयन को अंदर नहीं जाने देता है। तो आप देख रहे हो ये लाइन के बाहर जितने भी हैं ये सब क्या है हमारे आउटर मेम्ब्रेन के हैं, ठीक है। दीज आयन आर बैलेंस्ड बाय एंट्री ऑफ कैटायन के पॉजिटिव फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये जो बाहर से के पॉजिटिव आ रहे हैं, देखो इधर से के पॉजिटिव इधर से बाहर की तरफ से आ रहे हैं, वही इनको क्या कर देते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यही बता रहा है कि जब कोई भी एक्सटर्नल आयन, जैसे ये बैलेंस करने का काम कर दे रहा है, लेकिन एक्सटर्नल आयन में देखा जाए तो सीएल आयन जो होता है बच्चा, इसमें देखो सीएल आयन भी आ गया है, तो सीएल आयन जब एंटर करेगा सेल में उसी को बोलते हैं डिफ्यूज ग्रेडियंट। और ये सब जब डिफ्यूज ग्रेडियंट जो होते हैं ना, किसी भी केमिकल को जब बैलेंस कर देते हैं, बाहर से अंदर से एक बराबर कर देते हैं, उसी बैलेंस या इक्विलिब्रियम को ही हम डोनान इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, डोनान इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या बोला तुम्हें, इनऑर्गेनिक वाले में भी तुम्हें याद होगा कि पहले हम इसको बता रहे थे क्या क्या कर रहे हैं। तो पहले हमने बताया था कि चलो भाई आर जो हमारा क्या है वो नॉन डिफ्यूजिबल एक फिक्स आयन है। फिर आपने जाना कि सर ये जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस के इनर वाले मेम्ब्रेन पे हमेशा रहेगा, ये चीज लोकेशन दे दिए। फिर आपने बताया सर जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इम्परमिएबल होता है, मतलब कि इधर जो के पॉजिटिव सीएल रहेंगे उसको अंदर नहीं जाने देगा। तीसरे पॉइंट हमने ये जाना कि सर जो आयन है वो किस तरह से बैलेंस हो रहे हैं, तो कैटायन जब आर के पास जब कोई के पॉजिटिव लगा रहा है तो इधर बैलेंस कर रहा है, इधर के पॉजिटिव आर इधर बैलेंस कर रहा है। फिर आपने ये जाना कि सर इसमें जो सीएल आयन होगा इधर बाहर वाले सरफेस पे, यहाँ पे के पॉजिटिव है तो यहाँ पे सीएल आके यहाँ पे बस घुस जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा गड्ढे में, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूज ग्रेडियंट बोलेंगे, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बोलेंगे। और जब ये बाहर वाला अंदर वाला मिलके दोनों आपस में क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम मतलब एक बराबर मिल आएंगे या तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस लेके आएंगे, तो उसी को बोलते हैं डोनान इक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बोला जाता है। बोलो समझ में
चलो बताओ, नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे ना, तुम लोग बताओ। एकदम सेम चीज तो है, बहुत इजी है, ज्यादा कठिन तो नहीं है। संदीप बताओ बाबू, आगे बढ़े। हाँ बताओ बताओ, संदीप कहाँ सो गया? क्लास लगा के सो जाता है। आगे बढ़े। नीलम, निवास, संदीप। संदीप कहाँ सो रहा है ऑनलाइन आके? अरे यादव जी, प्रचार बंद करिए, चुनाव अभी हो जाएगा, बाद में जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पैसिव एब्जॉर्प्शन को पढ़ लिए। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो हमारे सिलेबस में था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से सेकंड जो हमारा था एक्टिव एब्जॉर्प्शन, बेसिकली बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। जैसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर याद होगा, कल भी परसों पढ़े थे ना, तो तुम लोगों को याद होगा वहां पे आयन एक्सचेंज थ्योरी पढ़े थे, तब मास ऑफ फ्लो हाइपोथेसिस पढ़े थे उसके अंदर। फिर उसके अंदर हम देख रहे थे कि रूट के अंदर कैसे हमारा कोई भी के पॉजिटिव और क्ले हमारा था वहां पे हम देखने को मिल रहा था। फिर कार्बोनिक एसिड थ्योरी पढ़े थे, कार्बोनिक एसिड के बाद हम पढ़े हैं अभी क्या, डोनान इक्विलिब्रियम थ्योरी, नीचे लिख लेना। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में देखेंगे क्या होता है। इसमें देखोगे आप, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्टिवली एब्जॉर्ब होने लगता है, या एनायन का रेट ऑफ रिस्पिरेशन को जब बढ़ा देता है, या टेम्परेचर अगर एबसेंट होता है तो ऑक्सीजन को रोक देता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करने लगता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसको आगे पढ़ाएंगे अभी। हाँ, उसमें कुछ थ्योरी दी रहेगी जिसके अंदर आपको कैरियर कॉन्सेप्ट को पढ़ना रहेगा, साइटोक्रोम पंप थ्योरी पढ़ना रहेगा, प्रोटीन कैरियर थ्योरी पढ़ना रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस आयन जो होते हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। वहां पे कैसे एब्जॉर्ब हो रहे थे, पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन। जब किसी भी आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा। तो यही बता रहा है कि पूरे मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जब पूरे मेम्ब्रेन में जब भी आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली बच्चा होने लगेगा, एक्टिव वे में होना लगेगा किसी भी मेम्ब्रेन का, जब उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगर खिलाफ अगर रखा जाए और उनके कंपैरिजन में रखा जाए, तो उसी एक्सपेंडिचर जो एनर्जी वहां पे खर्च होती है, उसी एनर्जी खर्च होती है, और जब एब्जॉर्प्शन होता है आयन का, आयन का, उसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। फिर से ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिव एब्जॉर्प्शन आयन जो होते हैं वो जब एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं पूरे मेम्ब्रेन में, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे होता है, तो जो एनर्जी उसमें लगती है या जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। देखो इसके एविडेंस देखते हैं। एविडेंस मतलब क्या होता है, क्या सबूत हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के। तो हम कुछ एविडेंस बताते हैं क्या सबूत होता है। तो आप बताओ कि देयर आर द वेरियस थियरी इन एविडेंस विच सपोर्ट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारी थियरी हैं जो सपोर्ट करती हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन को। जैसे में अगर बात की जाए सर क्या पहला सबूत है, क्या एविडेंस है, तो सबसे पहला है सर ड्यू टू एनायन एब्जॉर्प्शन। जब एनायन का एब्जॉर्प्शन होता है निवास और नीलम, तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। सबसे मतलब एक्टिव क्या होगा, तुरंत जिसका एब्जॉर्प्शन हो जाए भाई, जैसे एनायन एब्जॉर्प्शन हो, जैसे सनलाइट हमारा एब्जॉर्ब हो, एनायन की तरह एब्जॉर्ब कुछ भी होता है तो हमारा रिस्पायरेशन अगर बढ़ा देता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तुरंत जो हो जाए। या अगर कोई चीज एब्सेंट होती है फिर भी वो काम हो जाए तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई चीज एब्सेंट हो तो उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो वो पैसिव में चला जाता है। जब कोई भी काम इनडायरेक्टली होता है, मामा मौसा पुप्पा पुप्पी जो भी, उनके थ्रू होने लगता है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे तुरंत हम गए बैंक में तो हमारा काम हो गया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन मतलब नहीं, एक्टिवली जो काम, हम खुद एक्टिव जो होते हैं। तो एक नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये बता रहा है कि सर ड्यू टू एंड का एब्जॉर्प्शन जब होता है तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। ये पहला एविडेंस था। दूसरा एविडेंस क्या है, दूसरा सबूत क्या है कि सर
जब टेम्परेचर एब्सेंस होता है, टेम्परेचर एब्सेंस ऑफ ओ टू स्टॉप द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जब भी टेम्परेचर एब्सेंस होता है तो ऑक्सीजन हमारा होता है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम कर देता है। हमने क्या जाना कि सर जब टेम्परेचर एब्सेंट होता है तो ऑक्सीजन हमारा जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसको रोकने का काम कर देता है। पहले में क्या जाना, एक जो अनायन होगा जब एब्जॉर्प्शन होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। तीसरे में हम क्या देखते हैं, साइनामाइड्स अजाइड्स एंजाइम आर पॉइजनस नॉट ओनली टू द रेस्पिरेटरी चेन बट ऑल्सो डिक्रीज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ये बता रहा है बच्चा कि जो हमारा साइनामाइड होता है और अजाइड होता है, ये अजाइड का तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल तो किए नहीं, अजाइड बनाना होता था, वो अभी बनवाने की बातें अलग है। तो जो अजाइड और साइनामाइड होते हैं ना, ये एंजाइम जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, आर पॉइज मतलब सॉरी पॉइजनस होते हैं, लेकिन ये रिस्पायरेटरी चेन वो, यार एक मिनट रुको, तुम बहु सो क्या हो बस हाँ बाबू। देखो साइनामाइड और अजाइड जो होता है एंजाइम जो होते हैं इसके, वो पॉइजनस होते हैं और ये रिस्पायरेटरी चेन को भले ही ना ब्लॉक करें बट ये क्या कर देते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को भी ये कम कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक्टिव NH3 का पड़े NH3 अजाइड आयन का, अजाइड आयन जो होता है एंजाइम जो होता है वो पॉइजनस होता है बहुत सारा, ओके पॉइजनस होता है, तो ये क्या कर देता है जो रिस्पायरेटरी चेन होता है ना, देखो बेसिकली जो अजाइड सी लिख देते हैं और अजाइड है, ये इतना पॉइजनस होता है ना, इसकी एंजाइम जो होती है इतनी पॉइजनस होती है कि जो प्लांट का रिस्पायरेटरी चेन होती है RC रिस्पायरेटरी चेन होती है और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, इन दोनों को बचाना कम करने का काम कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम कर देता है। तो ये बता रहा सबसे पहले जानना कि सर जब आयन का एब्जॉर्प्शन होगा तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाएगी। फिर हमने जाना कि जब भी टेम्पररी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी टेम्परेचर हम पढ़ दिए थे वहां पे, फिर से ध्यान दो, टेम्पररी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो अगर कोई टेम्पररी मतलब क्या होता है, परमानेंट ऑक्सीजन की तो बात हो नहीं रही है, जब कोई टेम्पररी ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे एबसेंट होता है तो या प्रेजेंट रहता है तो ऑक्सीजन क्या कर देता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है। बेसिकली इसमें बस ये बता रहा है कि कौन सा हम एविडेंस दे कि हमें जो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो पैसिव एब्जॉर्प सॉरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसको रोकने का काम कर देता है, ऐसा कौन सी थियरी है, तो या तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम कर देता है, कोई इनके सपोर्ट में बताओगे। तो आप ये बताओगे सर अनायन का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता है तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन नहीं होगा कि होगा, तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन होगा। तो ये बता रहा है कि जब अनायन का एब्जॉर्प्शन हमारा जब होगा तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी बढ़ेगा। अगर टेम्पररी अगर एब्सेंस होता है ऑक्सीजन तो ये हमारा क्या कर देगा, या टेम्पररी ऑक्सीजन नहीं भी रहता या रहता भी है, अगर ऑक्सीजन कम है ना तो ऑक्सीजन एक्टिव एब्जॉर्प्शन का रोकने का काम कर देता है। अगर वहीं CO2 रहता है तो आप देखोगे किसके अंदर, अगर आपको याद होगा आई थिंक C4 साइकिल, तो बिना CO2 के लाइफ साइकिल चलेगी ही नहीं प्लांट के अंदर। तो यही बताना चाह रहा प्लांट के अंदर कि जो टेम्पररी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन को पूरी तरीके से रोकने में कामयाब रहता है और रोक भी सकता है। फिर तीसरे पॉइंट में हमने ये जाना कि जो साइनामाइड है परमानेंट रहा तब, जब परमानेंट रहेगा तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन चलेगा बहुत अच्छा यार, जब परमानेंट ऑक्सीजन उसके अंदर रहेगा तब तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा ना उसके अंदर, समझ में। इलेक्ट्रॉन वाला बस ज्यादा नहीं, आज कल लेख खत्म करा देंगे इलेक्ट्रॉन वाले में, इलेक्ट्रॉन में एक दो टॉपिक बचा है बस, मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा तो मान लो फंस जाओगे, कोई दिक्कत मतलब है। तो देखो साइनामाइड और अजाइड एंजाइम जो होता है वो बच्चा वो पॉइजनस नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर प्लांट के केस में बात की जाए तो ये जो इनके एंजाइम होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जो इनके एंजाइम, ध्यान सुनना एंजाइम, तो जो ये एंजाइम होते हैं वो रिस्पायरेटरी चेन को नहीं, ये चेन ही नहीं बल्कि क्या कर देते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब रिस्पायरेटरी चेन को भी डिस्टर्ब करते हैं और एक्टिव एब्जॉर्प्शन को भी डिस्टर्ब करते हैं।
अब इन इनको कैसे, इनका कौन सा मैकेनिज्म है जो एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसके कुछ वेरियस मैकेनिज्म है जो एक्सप्लेन करते हैं इनको, ये कैसे हमारे एक्टिव एब्जॉर्प्शन को ये अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला एविडेंस है वो हमारा है मैकेनिज्म, वो कैरियर कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारा है साइटोक्रोम पंप थियरी है, और तीसरा हमारा क्या, प्रोटीन एज अ कैरियर है। तो कैरियर कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, साइटोक्रोम पंप थियरी और प्रोटीन कैरियर कर ले लेंगे, ठीक है? तो बताओ देखो कैरियर कॉन्सेप्ट में क्या होता है। देखो अगर बात करते हैं कैरियर कॉन्सेप्ट में, देखो बेसिकली ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये सॉरी ये बीच वाला पोर्शन है, ये हमारा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होता है। ये वाला रीजन जो होता है वो हमारा इंटरनल होता है, ये इंटरनल है, और ये वाला जो रीजन है वो एक्सटर्नल है, बाहर वाला रीजन है। तो कैरियर कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो इस अकॉर्डिंग टू दिस आयन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो आप ये देखो कि ये पूरा हमारा क्या था, मेम्ब्रेन था। तो आपने ये देखा कि जो मेम्ब्रेन है, ये जो एक्स के है, पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्स के में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर एक्स डैश में, तो ये आयन है, एक तरह से आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यही बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस आयन या कैरियर कॉन्सेप्ट, जो आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे मेम्ब्रेन में हो जाता है। तो ये बीच वाला क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लेके ये मेम्ब्रेन है, इस पूरे मेम्ब्रेन में हमारा क्या हो रहा है, आयन का जो हमारा हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके हेल्प से, तो आयन कैरियर के मदद से। तो भाई एनायन जो कैरियर है भाई, यही तो लेके जा रहे हैं ना, इसी को तो पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आगे चल के देखोगे कि ये दो तरीके में, एक कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक अनायन, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। ये पूरा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बाहर की तरफ, मतलब देखो बाहर से, और देखो बाहर से कटायन भी गया और अनायन भी, दोनों अंदर गए, फिर मेम्ब्रेन के अंदर आए, मेम्ब्रेन में हमारी एक साइकिल चली, फिर उसके बाद ये कहाँ पे चले गए, अंदर चले गए। यही बताना था आपको कैरियर कॉन्सेप्ट में, बाहर से देखो के पॉजिटिव ए निगेटिव, बाद में कहाँ जा रहे हैं, इंटरनल, ये पूरा रीजन यहाँ से इधर तो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटरनल का रीजन है, बीच वाला क्या है, मेम्ब्रेन है, और ये हमारा बाहर वाला रीजन है। तो बाहर से कैसे अनायन का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें यही बता रहा है कैरियर कॉन्सेप्ट ने, संदीप, ठीक है? इस कैरियर कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि सर के पॉजिटिव और ए पॉजिटिव बाहर से ये कैसे अंदर की तरफ पहुंच जा रहा है, बाहर से कैसे पूरे अंदर की तरफ ये पहुंच रहा है, बस यही देखना है इसके अंदर। तो यही बता रहा है कि जो ये आयन होते हैं पहले एक्टिवेट होते हैं, जैसे अगर हम बात किया जाए तो ये बाहर है, ए निगेटिव और के पॉजिटिव, फिर ये कैसे एक्टिवेट, जैसे अंदर जाते हैं तो पहले ही एक्टिवेट होने में लगता है, जैसे एक्स के हो गया, फिर यहाँ जाएगा तो के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहले ये एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के बाद ये आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे एक्स और के कंबाइन हो जाते हैं, फिर कंबाइन होने के बाद यहाँ से एक्स के में से के यहाँ पे बाहर चला जा रहा था, के यहाँ पे बाहर चला जा रहा था, जैसे यहाँ पे ए था वो भी ए एक्स से कंबाइन करेगा, फिर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद फिर यहाँ से ए निगेटिव अंदर चला जाएगा। देखो ये बाहर से हम कहा चला गया, मेम्ब्रेन है पूरा, ये मेम्ब्रेन में गया, यहाँ पे ये एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर एक्टिवेट होने के बाद के पॉजिटिव के एक्स में जब कंबाइन है तो ये के यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ पे ए बात करते हैं, मतलब ए मतलब निगेटिवली चार्ज, ए एक्स है, इस ए एक्स में जाके यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, फिर बाहर निकल जा रहा है ए निगेटिव। तो यही बता रहा है कि दिस कैरियर आर फर्स्ट एक्टिवेटेड देन कंबाइन, फिर उसके बाद ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस होता है वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर वहां से ट्रांसफर होने के बाद ये पूरे मेम्ब्रेन में मतलब क्या होते हैं, बिखेर देना है मतलब, या पूरी तरीके से फैल जाते हैं, विच मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑन रीचिंग इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, जब अंदर की तरफ जाते हैं, एंड ब्रेक डाउन ऑफ अनायन इज रिलीज। तो यहाँ पे देखोगे आप, जैसे मेम्ब्रेन में देखोगे अगर के एक्स था तो यहाँ से के टूट के अंदर चला गया, यहाँ पे ए एक्स था तो ए अंदर चला गया। तो यही बता रहा है कि यही सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है। अगर आपको यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान दो, देखो कैसे जा रहा है, आप यहाँ पे देखो ये पूरा एक रीजन अलग है, ये नीचे वाला एक रीजन अलग है, ऊपर देखो यहाँ से के अंदर गया तो एक्स के बनाया, और यहाँ से एक्स के जब क्या हो रहा है कि इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है एक्स के में, फिर यहाँ से एक्स कन्वर्ट हो जा रहा है, तो पूरे यहाँ से साइकिल जब चल रही है पहले वाले में तो के अलग हो रहा है, क्योंकि के एंटर कर रहा है, यहाँ से ए एंटर कर रहा है तो वाई के साथ कंबाइन कर रहा है, फिर उसके बाद ये डिसोसिएट होकर ए निगेटिव आयन इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर चला जा रहा है। बस यही होता है कैरियर कॉन्सेप्ट, इतना ही जानना था। कल तुमको हम साइटोक्रोम पंप थ्योरी और प्रोटीन एज अ कैरियर बताएंगे, बस ये तुम लोग लिखे रहो, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो भाई फंस जाओगे, तो उससे अच्छा है कि तुम लोग इसको लिखे रहो, बल्कि इजी, एक बार तुम लोग पढ़ोगे तो आसानी वे में समझ में आ जाएगा। संदीप
पीडीएफ हम भेज देते हैं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही संदीप, मैसेज करो, सब लोग मैसेज करना ग्रुप में आप। ओके सर, थैंक यू।